एवरीवन, कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कुक विद एजीआर में। आज मैं पोटैटो का इतना टेस्टी रोल बना के दिखाऊंगी आपको, जिसे खा के बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे और ये काफ़ी टेस्टी बनता है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, आप इसका आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ। आटे को अच्छे से मैंने छन्नी से छान लिया था। तो यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी और बाकी कुछ भी तेल उल नहीं ऐड करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अच्छे से गेहूं को आटे में नमक को मिक्स करेंगे। मिक्स करके जैसे हम रोटी चपाती बनाते हैं बस उसी तरह से इसमें आटा लगा लेंगे पानी डाल करके। इस रेसिपी को आप बच्चे की रोटी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे रोटी का ये बना रही हूँ, शेड बना रही हूँ। तो आटे को मैं गूंथ लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटे को लगा लिया है, अब इसे ढक करके रख देते हैं ताकि की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में मैंने तेल डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, कच्चा जीरा इसको डाल देंगे। थोड़ा सा भून लेंगे इसको। यहाँ पे मैंने 4-5 हरी मिर्च लिया है, तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। थोड़ी सी 1-2 सेकंड इसको भी चला लेंगे। तो यहाँ पे एक प्याज मैंने लिया है, इसे भी मैंने कट कर लिया है। सभी को चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ प्याज देखिए हल्का सा भून गया है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रखा हुआ है और इसको मैंने कद्दू कट कर लिया था, इसको डाल देंगे। इसी के साथ कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच कम हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ऐसे सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू का मसाला अच्छे से भून गया है। मैं इसे उतार लेती हूँ, उतार करके इसे ठंडा होने। अभी ये गर्म है तो मैं इसमें 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल दे रही हूँ। डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे देखिए आटा भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। एक बार इसको मसल करके गूंथ लेते हैं और इसमें से ना पेड़ी बना लेते हैं, जिस तरह से रोटी बनाते हैं ना उसी साइज के। इसी साइज के पेड़ी बना के रख लेते हैं। अब मैं इस तरह से एक लोई लेंगे और इस तरह से इसको कर करके रखेंगे। क्या करना है ना, एक तरफ इसमें तेल लगा देना है और एक साइड में ना सूखा आटा लगाना है। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है और दोनों के इस तरह से चिपका देना है। अब इसको सूखा आटा लगा करके बेल लेना है। इस तरह इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। थोड़ा पतला ही बेलना है। तो देखिए इस तरह मैंने बेल लिया है। इसी तरह सभी को मैं बेल लेती हूँ। ना यहाँ पे मैंने वापस से वही पैन रख दिया है, उसमें इस तरह से रोटी को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसे पकाना है। जैसे एक तरफ हो जाएगा पलट करके दूसरे साइड भी इसको सेक लेंगे। बस इसे हमने पलट करके दोनों साइड से सेक लिया है, अब इसे उतार लेते हैं। इसी तरह से सभी को हम सेक लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से अलग कर लेंगे दोनों साइड को। बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है, जो मैंने तेल और सूखा पत्थर लगाया था ना इसकी वजह से। तो इसी तरह से सभी को हम बना करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे जो है आलू ठंडा हो गया है, अब इसको हाथों से लेंगे, इसकी इस तरह से सिलेंडर शेप दे देंगे।
तरह से बना के रख लेते हैं। हाथों में इस तरह से लेके इस तरह से बांधना है, इसके बाद इसको सिलेंडर से दे देंगे। आप चाहे तो इसमें सोयाबीन भी बना सकती है, उससे बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बट मैं यहाँ पे सिर्फ आलू से ही बना रही हूँ, बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है ना, तो मैं आज अपना ब्रेकफास्ट जो बच्चों के लिए बना रही हूँ इसी से बना रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैं सभी को बना लूँगी। यहाँ पे मैंने ना कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, इसमें पानी डालकर एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे इसका। इसी में ना एक चम्मच हम गेहूँ का आटा डाल देंगे। इसको घोल करके गाढ़ा से एक घोल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे जो मैंने बना के रखे थे, देखिए सीड बहुत ही अच्छे से कितना बढ़िया सा ये तैयार हो गया है। तो मैं एक सीड को लूँगी यहाँ पे, फिर रख दूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने जो आलू का सिलेंडर सीड बनाया था इसको रख दी हूँ। साइड साइड में जो मैंने स्लगी बना के रखा हुआ है इसको लगा देंगे। अच्छे से लगा देंगे ताकि ये बंद हो जाए। बस इस तरह से मैं सभी को बना लेती हूँ। अब ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके इसको पतला कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत हल्का सा। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे नहीं महीन वाली मैंने सिमरिया ली हुई है, इसको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब क्या करेंगे ना, जो मैंने ये रोल बना करके रखा हुआ है इसको इसमें डिप करेंगे। उसके बाद इस सिमरिया हम डाल के बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इसी तरह से सभी को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी को मैंने अच्छे से बना लिया है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे पैन में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके रोल को इसमें फ्राई कर लूँगी। बस इसी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अब क्या करेंगे ना, जैसे ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगा इसको अलग पलट के दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो इस तरह से इसको पलट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा रोल बनके तैयार होता है, बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं इसे। एक बार फिर ज़रूर ट्राई करिएगा आप। तो ये अच्छे से फ्राई हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तेल को अच्छे से निचोड़ लेना है इस तरह से। बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हुआ है, इसे मैं निकाल करके बाकी जो बचे हुए इसे भी इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बन के तैयार होगा हमारा बहुत ही क्रिस्पी सा पोटैटो रोल। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है ये, बच्चों को अगर छोटा मोटा भूख लगे आप इसे बना करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको रेसिपी पसंद आएगा लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।